नमस्कार, मैं सब आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। अभी मौजूद है हजारीबाग के कैंड्री इन में, और यहाँ पर जो दृष्टिबद्ध केशरियाँ होती हैं उनके लिए आत्मरक्षा का यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी बच्चियाँ जो है दृष्टिबद्ध हैं, और इनको आत्मरक्षा इनकी सेल्फ डिफेंस किस तरीके से करना है उस चीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जा रही है। जितनी भी छात्राएं आपको यहाँ पे मौजूद दिख रही होंगी, ये सारी छात्राएं जो हैं आई साइड से चैलेंज्ड हैं। और डिफेंस यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, डिफेंस के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इधर दो आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ आपको दिखा रहे हैं, और इस तरफ किस तरह। इधर उनके ट्रेनी यहाँ पे मौजूद है। लाइव कर रही तो साइड से करो, आ जाएगा कैमरा, घुमाओ इधर खड़ा हो जाओ। ये शाजिया है, शाजिया से हम लोग बात करेंगे। बताओ शाजिया, क्या क्या सीखा? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शाजिया परवीन, मैं अभी सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ, और मैं मिल्लत कॉलोनी हजारीबाग की रहने वाली हूँ, और मैं सदर ब्लॉक से हूँ। और सचमुच मैं बता रही हूँ कि जब मैं नई पहली बार जब मैं आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और पहले तो मुझे नहीं पता था कि हम जैसे लोग, मतलब मैं दृष्टिबाधित हूँ पूरी तरह से, तो मुझे नहीं पता था कि हम जैसे लोग किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और आप सभी लोग जैसे कि अभी तो जानते हैं समाज को कि समाज में आजकल क्या हो रहा है, बहुत से हादसाएँ हो जाती हैं लड़के और लड़कियों में, तो उसको लेकर के मैं बहुत चिंतित थी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत चिंतित थे कि आगे वाले आने वाले दिनों में इनका क्या होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने जब प्रशिक्षण लेना शुरू किया सेल्फ डिफेंस का, तो फिर मुझे पता चला कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आत्मरक्षा कर सकते हैं खुद की। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे सबसे पहले दिन तो ये सिखाया गया कि सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि तुम्हें बोलना आना चाहिए, मतलब तुम्हें जैसे अगर मान लो कि तुम किसी खतरे में हो तो तुम्हें बुलाना आना चाहिए मदद के लिए किसी को भी, मतलब तुम्हें बोलना आना चाहिए। तो मुझे ये सिखाया गया, और बोलने में मैं ब्रीदिंग करते हुए बोलना है, मीन्स एक लंबी सांस लेनी और बोलना है, और उस वक्त तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मीन्स पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा होता है कि कई बार कि जो हमलावर को देखकर हम लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और हमारा जो सारा कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है, हम बोल भी नहीं पाते हैं कुछ। तो इसके कारण ही बहुत सारी लड़कियों की जान भी चली गई हैं, बहुत सारी हादसाएँ हो गई हैं लड़कियों के साथ।
तो ये हमें सिखाया गया कि सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है बोलना आना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, अपने आत्मरक्षा के लिए। और हमें उसके बाद बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए गए, हमें बीच में बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी करवाए जाते थे, योगा भी करवाए जाते थे, जिससे कि हम फिट रह सकें। ट्रिक्स करने से पहले हमें योगा कुछ करवाए जाते थे, एक्सरसाइजेस वार्म अप्स वगैरह में करवाए जाते थे, जिसकी मदद से हमारी जो बॉडी है वो तैयार हो सके ट्रिक्स करने के लिए। उसके बाद हमें बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए गए, मीन्स इस बार हमें 10 ट्रिक्स सिखाए गए, यहाँ पे 10 तरह के हमने टेक्निक सीखे, जिसमें से हमारा पहला है पॉम हिल स्ट्राइक, दूसरा है एल्बो स्ट्राइक, तीसरा है नी स्ट्राइक, चौथा है फ्रंट किक, पांचवा है हेयर पुल, छठा है हमारा स्टॉम्पिंग किक, एंड सातवां है हमारा बाइटिंग, आठवां हेड बर्थ, नौवां हमारा जो ट्रिक है वो है टाइगर क्लॉ, एंड जो दसवां हमारा ट्रिक है वो है पुशिंग, मीन्स धक्का देना। तो इस तरह के हमें बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए गए, जिसकी वजह से हम अपनी रक्षा खुद से कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से हमने ये ट्रिक्स सीखा, हमने कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के ट्रिक्स खुद से कर पाऊंगी और मैं कभी इतना आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन जब मैंने सीखा तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है खुद पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब स्ट्रांगनेस फील हो रहा है कि अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की रक्षा खुद से कर सकती हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ 3 वॉलंटियर्स थे जो कि हमारी सहायता करते थे, ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो हमें बताते थे कि किस तरह से करना है। और ऐसे वॉलंटियर्स को एंड ऐसे टीचर्स को मैं इसके लिए सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से सिखाया। और कुछ कुछ वॉलंटियर्स को तो मतलब ऐसे जो सारी प्रैक्टिस हमने की थी वो हमने एक डमी से मतलब डमीज के द्वारा की थी, जिसे हम लोग इम्पैक्ट ड्रिल्स कहते हैं, तो उससे हमने ये किया। लेकिन कुछ कुछ जो ट्रिक्स थे वो हमने मतलब वॉलंटियर्स जो थे उन्हें मतलब बिना डमी के किया, उनके पास डमी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें तो मतलब कई कई लोगों को चोट भी लग गई थोड़ी मोड़ी, तो उन्होंने मतलब ज़रा सा भी शिकायत नहीं की कि मुझे चोट लगी है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से अपने ऐसे शिक्षकों और वॉलंटियर्स को मेरा छत नमन, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है वो सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि डिफेंस कैसे कर सकते हैं, अगर हाथ कोई बांध दिया हो तो उस मौके पे कैसे डिफेंस करें। यहाँ पे फूड की मदद से वो डिफेंस करते हुए नजर आ रही होगी आपको, बाल खींचकर और सारी टेक्निक्स को अपना कर कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं इस परिस्थिति में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ये जो इनिशिएटिव है इसको आज कम्प्लीटली मिलाकर के 12 डेज हो चुके हैं, और ये 12 डेज से इन सारे बच्चों को जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिनको आई साइट्स में इशू है, उनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। आगे अभी इधर हम आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो मुख्य लोग हैं उनसे। मैम अपना परिचय देते हुए शुरू करेंगे और बताएंगे जो कार्यक्रम है इसके पीछे क्या वजह है, कब से हो रही है ये। मेरा नाम शांति मार्डी है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर JSLPS से हूँ और हजारीबाग जिला को देखती हूँ। और इस कार्यक्रम का हमारा साइड मैंने JSLPS के साथ हमारा साइड सेवर्स एक संस्था है जिसके साथ एक MOU किया हुआ है, जो कि डिसेबिलिटी और फिजिकली चैलेंज लोगों के साथ हमारे जिले में काम कर रही है और बहुत पहले से कर रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये पूरा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया था, क्योंकि हम लोग स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के साथ काम करते हैं और सेल्फ डिफेंस की जो बच्चियां आज ट्रेनिंग ले रही हैं, ये बच्चियां हमारी उन्हीं मेंबर्स की बच्चियों का ट्रेनिंग चल रहा है।
तो आप देख पाएंगे हम लोग को ये महसूस हुआ कि इसी तरह के फिजिकली चैलेंज बच्चियों के साथ, जिनको हम अभी घर से निकाल के पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उनको सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है आज के जमाने में, जहां वो बाहर जा रही हैं, आप जानते हैं कि सुरक्षित आज भी कोई नहीं है। हम लोग नॉर्मल लड़कियां जब देखें वो सुरक्षित नहीं है, तो ये तो फिजिकली चैलेंज और डिसेबल्ड है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा ये ट्रेनिंग कोर्स प्लान किया सेल्फ डिफेंस का, किस तरह से वो एक टच से मतलब एक फील से वो एहसास कर सकती है कि किस क्या गलत है और क्या सही है, और इसीलिए ये पूरा ट्रेनिंग रखा गया था 12 दिन का, और आज इसी 12 दिन का ट्रेनिंग का अंतिम दिन है। और सब बच्ची आप देख रहे होंगे बहुत कॉन्फिडेंट है, आज यहाँ से निकल के जाएंगी तो सुरक्षित कॉलेज जा सकेंगी, आगे पढ़ाई कर सकेंगी और शायद आगे नौकरी भी करने में जा पाएंगी, तो इसीलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। मैम जैसे ये तो एक बैच हो गया जो अभी निकल रहा है, इसके बाद फिर और बैचेस में और भी बैच का हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो हम लोग छोटा छोटा बैच में, क्योंकि बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग है और एक एक बच्चियों के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, इसलिए बैच साइज भी हम लोग कम रखे हैं, बट इस तरह का बैच हम लोग कंटिन्यूअसली चलाते रहे। तो ये ओपन टू ऑल है? हाँ ये ओपन टू ऑल है। जैसे कोई अगर ऐसा हो जाने वाला या फिर जो व्यूवर्स है उनके कोई बच्चे इस तरह से चैलेंज्ड हो तो किस तरह से कम्युनिकेट? यहाँ पे साइट सेवर्स के लोग हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जरूर सहयोग करेंगे और हमारे साथ में वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अभी इस तरफ आपको दिखा दे जो पोस्टर है यहाँ पे लगा हुआ, साइट सेवर का पोस्टर JSLPS लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे दृष्टिबद्ध किशोरियों के लिए आत्मरक्षा पर 6 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि आज हो रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इधर जो है प्रैक्टिकल्स आपको दिखा दे, जो कॉन्फिडेंस लेवल छात्रों के बीच में दिख रहा है वो कोई कंपैरिजन नहीं है उसका, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग अपनी कमियों को लेकर के बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस चीज़ को लेकर के खुद में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं, लेकिन उस चीज़ के बावजूद यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल हर एक छात्र के अंदर, जितनी भी छात्राएं यहाँ पर मौजूद है सबके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिल रहा है। नज़दीक से आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। चलो चलो हेड बन मारो, हाथ में काटो, चलो हाथ में जल्दी जल्दी, हाँ ऊपर उठाओ, गिरा दो गिरा दो, इतना तो कह सकते हैं कि ये जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। मतलब जो लोग सोचते हैं, जो छात्र जो बच्चे सोचते हैं कि उनके लिए मुश्किल है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ये एक चैलेंज जो है ये कंप्लीट कर रहे हैं, और जो नॉर्मल लड़कियाँ वो सुरक्षित नहीं है, उसके मुकाबले जो ये बच्चियाँ हैं जो आज ये चीज़ सीख रही हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है JSLPS के द्वारा, साइट सेवर्स के द्वारा, और इसी के साथ आप यहाँ पे छात्रों के बीच में कॉन्फिडेंस आपने देख चुका है किस तरह वो लोग सीख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ।